हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आद्विकाज मॉम किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं वेज रवा टोस्ट, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही झटपट बन के रेडी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप रवा यानी कि सूजी। आप मोटा या पतला किसी भी रवा का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हम एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें 2 चम्मच दही ऐड कर रही हूँ, ये बिल्कुल ताज़ी दही है, और इसको हम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, दही अच्छे से मिक्स हो चुकी है, तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप पानी। इसको अच्छे से इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। पूरा 1 कप पानी जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ। 1 कप मैंने रवा लिया था तो 1 कप मैंने पूरा पानी लिया है और 2 चम्मच दही का यूज़ किया है। फ्रेंड्स, अब इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे वेज रवा टोस्ट बना रहे हैं तो वेजिटेबल्स भी हमको ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शिमला मिर्च लिया है, लगभग 2 चम्मच। 2 चम्मच ही लगभग मैंने टमाटर लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया, इसको भी मैंने बारीक काट के लिया है। प्याज लिया है, ये भी लगभग मैंने 2 चम्मच लिया है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गाजर लिया है। तो फ्रेंड्स, आपको जो सब्जियाँ पसंद हो आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो अब जो ये सारी सब्जियाँ हैं जो हमने रेस्ट करने के लिए सूजी यानी कि जो रवा रखा था उसमें हम इसको ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ऐड करूंगी रेड चिल्ली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। आप चाहे तो इसके जगह पे हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। हरी मिर्च को भी बिल्कुल बारीक काट के आप डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं 1/2 चम्मच नमक का यूज़ कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब इसको मैं सुपर टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें ओरिगैनो का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास है तो आप ऐड करें, ये बिल्कुल ऑप्शनल है।